कॉफी ड्रिंक होना अच्छी बात है, लेकिन अपने काम को लेकर ओवर कॉफी ड्रिंक कभी कभी आपको भारी पड़ सकती है। खैर, ऋतिक रोशन की आगामी बायोपिक फिल्म की लीक हुई तस्वीरों को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऋतिक रोशन आने वाली फिल्म में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का किरदार निभाने वाले हैं, जो बिहार में गरीब बच्चों को IIT की परीक्षा के लिए तैयारी कराते हैं। यानी कि फिल्म पूरी तरह से बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हो रही है, जहां से ऋतिक की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं। और सच कहा जाए तो इन तस्वीरों को देखकर भयंकर निराशा हुई है। ऋतिक में ना वह प्रोफेसर वाली बात नजर आ रही है, ना ही आम आदमियों वाला लुक। इससे बेहतर होता कि फिल्म को बायोपिक का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि एक कहानी की तरह दिखाया जाता। अफसोस है कि फिल्म में राजकुमार राव या पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों को मुख्य किरदार में नहीं रखा गया, जो आसानी से आनंद कुमार के लुक में रिल सकते थे। ये होंगे विलेन। आनंद कुमार बायोपिक में एक नेगेटिव किरदार भी होगा। जी हाँ, यानी कि विलेन, जिसके लिए फाइनल किया गया है पंकज त्रिपाठी को। शूटिंग शुरू। फिल्म की शूटिंग वाराणसी में शुरू हो चुकी है और यहाँ आप देख ऋतिक और मृणाल को सीन करते देख सकते हैं। सुपर 30 बायोपिक सूत्रों के अनुसार फिल्म की शूटिंग गंगा किनारे शुरू हुई, जिसके बाद ऋतिक और मृणाल ने रामनगर फोर्ट में शूट किया। रामनगर फोर्ट के एक हिस्से को ही कोचिंग सेंटर बनाया गया है। कब होगी रिलीज फिल्म? पहले नवंबर 2018 रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 25 जनवरी 2019 तक टल चुकी है। आनंद कुमार हैं खुश। फिल्म के फर्स्ट लुक से आनंद कुमार काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म की शुरुआती शूटिंग मेरे कॉलेज के दिनों की होनी थी, लिहाजा मैंने अपनी पुरानी तस्वीरें निर्देशक को दी थी। जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझे ऋतिक की लुक अच्छी लगी। क्या है सुपर 30? प्रोफेसर आनंद कुमार ने वर्ष 2001 में सुपर 30 की स्थापना की और गरीब बच्चों को IIT की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते थे। सुपर 30 में कुल 30 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये संस्थान IIT एंट्रेंस की तैयारी करवाता है।